मम्मी। मम्मी क्या हुआ? मम्मी मम्मी क्या हुआ? मम्मी 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 कहाँ गई वो औरत? वो औरत बच के निकल गई। उनसे और हार बर्दाश्त नहीं होती अब। मैं उस काले चोर के रखवाले को किसी भी कीमत पर पकड़ना है। भले ही काला चोर और उसका रखवाला हमारे हाथ से निकल गए हैं, लेकिन वो हमसे बच नहीं सकते। हम उनके बहुत करीब हैं। रखवाले को काटे हुए 3 दिन हो चुके हैं। खातूबा का जहर उसके जिस्म में फैल चुका है। 4 दिन बाद वो एक जिंदा लाश बन जाएगी। और उन 4 दिनों में मैं उस रखवाले को तुम्हारे कदमों पे ले आऊंगी। दुआ करो कैसी हो, इसमें बेहतरी तुम्हारी है। और अब आखिरी मुकाबला होगा झुमकी मियां और गुलबदन मियां के बीच, और इस मुकाबले को जीतने वाला बनेगा महल का रखवाला, यानी महल की हिफाजती टुकड़ी का सिपाही। जा, अरे वो बेहोश हो गया, तलवार कर दम पे रख। जा 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 जाना सोच मत जा जाना बस। और अब आखिरी मुकाबले के लिए गुलबदन मियां तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन झुमकी मियां की इमारत अब भी गिरी हुई। तो जी गुलबदन मियां के नाम। गुलबदन मियां बनेंगे महल की हिफाजती टुकड़ी का सिपाही। अम्मी अम्मी आंखें खोलिए। अम्मी 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 आंखें खोलिए। अम्मी चिनू, हाँ अम्मी के लिए पानी लेके आओ। अम्मी मैं कसम खाता हूँ अम्मी, अब मैं आपको ऐसे कभी परेशान नहीं करूंगा। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा। रोज नहाऊंगा, रोज वक्त पे उठूंगा और अपने कपड़े भी जगह पर रखूंगा, और मैं जिनू से भी कभी नहीं लड़ूंगा। आप चाहती है ना कि महल में नौकरी ना करूं? मैं नहीं करूंगा, कोई नौकरी नहीं करूंगा महल में। अम्मी आप आके खोलिए ना। अम्मी अम्मी आप आके खोलिए ना। अम्मी अम्मी उठिए, मेरी जिंदगी में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। अम्मी कोई नहीं, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। अम्मी मैं कुछ भी नहीं हूं आपके बिना। उठिए अम्मी, अम्मी अम्मी उठिए अम्मी। आका तुम परेशान मत हो, अम्मी ठीक हो जाएंगी। ये लो पानी, उनके चेहरे पे छींटे मारो, हो सकता उठ जाए। अम्मी उठिए अम्मी। चिनू अम्मी अम्मी आप ठीक तो है ना? अम्मी आका नहीं, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मैं 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 हकीम साहब को अभी बुला कर लाता हूँ, ठीक है? जिनू हाँ। तो अम्मी का ध्यान रखो, मैं आता हूँ। अम्मी अम्मी आका अम्मी 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 आप ठीक तो है ना? आपने तो हमें डरा ही दिया था अम्मी। अम्मी आप मेरी बात सुन रही है ना? अम्मी 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 आपको जो भी चाहिए आप हमसे कहिए, हम ले आएंगे।
अम्मी? अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है अम्मी, आपको आराम की जरूरत है, आप आराम कीजिए अम्मी। क्या हुआ अम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही अम्मी? आप हमसे नाराज? मैंने कोई गलती की? मैंने आपको दिल दुखाया अम्मी? आप उसके लिए मुझे डांटी, मुझे 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 मारी अम्मी? तुम मुझे अम्मी क्यों कह रहे हो? कौन हो तुम दोनों? कहाँ हूँ मैं? चिलगोजा, चिलगोजा, हम पकड़ी गई। जानती कौन हो तुम? ये तुम लोग मुझे कहां ले आए? कौन सी जगह है ये? बेटे की तुम जिनू, मैं तो डर गया था लेकिन अब समझ में आया क्या हो रहा है। अम्मी, आप पक्का हमारी अम्मी हैं। हम दोनों मानव बने बनाए हैं लेकिन आपने हमें दोबारा बेवकूफ बना दिया। और आपकी तबीयत खराब है उसके बाद भी आप मुझे मजाक कर रही हैं। वाह वाह, छोड़ो मुझे। अब आप सच सच में डरा रही हैं अम्मी? मैं आपका बेटा हूँ अम्मी। हाँ अम्मी, और मैं आपका छोटा बेटा, ये आपका बड़ा बेटा, और मैं बाद में बना बेटा। बना बेटा? हाँ। तुम दोनों पागल तो नहीं हो? तुम दोनों मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? मेरा तो निकाह भी नहीं हुआ अब तक। और तुम दोनों झूठे हो, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, तो बेटे कहां से आएंगे? अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैंने सुना है कि बेटे अपनी माँ को भूल जाते, लेकिन आज मैं देख रहा हूं एक माँ अपने बेटों को भूल गई। अम्मी, आप मेरी जिंदगी है अम्मी, आप मेरी जिंदगी है अम्मी। दूर हटो मुझसे, मैं तुम दोनों को नहीं जानती। तुम दोनों अजनबी हो मेरे लिए। अम्मी, कहाँ जा रही हैं? आपकी तबीयत खराब है, आप कहाँ जा रही हैं? आप आराम कर लीजिए अम्मी। मत कहो मुझे अम्मी, बार बार तुम्हारी अम्मी कहने से मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हो जाऊंगी। और किस हक से रोक रहे हो तुम मुझे? हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। ना ही तो तुम मेरे बेटे हो और ना ही मैं तुम्हारी अम्मी।
जीनू मुझे जाने दो, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो मैं पहचानने से इनकार कर रही है। जीनू बोलो तुम कौन हो, हमारे अब्बू कहाँ हैं, क्या किया तुमने हमारे अब्बू के साथ? हम नहीं जानती बादशाह कहाँ होती। झूठ, तुम सच जानते हो, सच उगल दो वरना हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे, ऐसी मौत देंगे कि मौत भी काम उठेगी। हम सच बोलती। हम तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक देंगे और फिर तुम्हारी ये झूठी जबान हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। चाहे हमारे अब्बू कौन हो तुम, हम मरना नहीं चाहती। हम चुम्मन होती एक अदाकार, इस साजिश का छोटा सा मोहरा होती। आपके अब्बू का किरदार अदा करती। इस साजिश की बात कर रहे हो तुम? कौन है वो आदमी जिसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है, बोलो। हम कुछ भी बोलेगी तुम मर जाती। अगर तुम नहीं बताओगे ना तो भी मारे जाओगे। उसके खिलाफ सिर्फ एक ही इंसान है जो अब्बू को बर्बाद करना चाहता है, और वो है वो मुच्छड़। उस मुच्छड़ ने तुम्हें यहाँ भेजा है। हम मुकाबले से घर वापस कब आए? अम्मी, आपने मुझे पहचान लिया? कैसी बातें कर रहा है, ये कोई मजाक है तेरा? हाँ, माँ अपने बेटे को नहीं पहचानेगी क्या? रो क्यों रहा है? एक तो वैसे ही मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से तू परेशान कर रहा है मुझे। अम्मी, वो आपने मुझे मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मुझे महल की हिफाजत टुकड़ी के सिपाही की नौकरी नहीं मिली, मैं नाकाम हो गया। कौन हो तुम, कौन सी नौकरी की बात कर रहे हो? देखो निशान, चिलगोजा चिलगोजा, तुम उसको जानती क्या? हमारा अंदाजा सही निकला, उस मुच्छड़ ने ये सब कुछ किया है। कहाँ है वो मुच्छड़, हमें बताओ कहाँ है वो?
कौन है वो मुच्छड़? अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम हमें बताओगे कि मुच्छड़ कौन है? हम अगर बताती तो वो हमको बहुत बुरी मौत देती। हम तुम्हें मौत नहीं देंगे बल्कि एक ऐसी खौफनाक जिंदगी देंगे कि तुम हर पल हमसे मौत की भीख मांगोगे। तुमने हमारी आंखों में धूल झोंकी ना, अब हम तुमसे तुम्हारी आंख छीन लेंगे। जय साधु, काने को अंदर नहीं करती। ठीक है, सब बताती। तो बोलो कौन है मुझे? वो कोई और नहीं होती बल्कि क्या? शहजादी सवाल, किसके ऊपर हमला हुआ है? बोलो मुच्छड़ कौन है? बोलो मुच्छड़ कौन है? हमें बताओ, हमने अम्मू को बचाना है। बोलो मुच्छड़ कौन है? बोलो, बताओ, बोलो। सब खैरियत तो है, और ये कौन है? और ये बादशाह के लिबास में क्या कर रहा है? ये बेरूपिया है जो हम सबको अब्बू बनकर बेवकूफ बना रहा था। क्या हमारे बादशाह सलामत? वो खैरियत तो है। हम भी इसे यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कब से, तो बताने से पहले किसी ने इस पे वार कर दिया। ये काम किसी एक इंसान का नहीं है। बता, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? हम जानते हैं। इसे हम मुच्छड़ ने भेजा है। वही जो अब्बू से बगदाद को छीनना चाहता है। उसे कब से ढूंढ रहे हैं लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। लेकिन इसे कबूल किया था कि इस सबके पीछे उस मुच्छड़ का हाथ था, और ये हमें बताने वाला था कि मुच्छड़ कौन है, लेकिन उससे पहले किसी ने इस पे हमला कर दिया। गद्दारों को सिर्फ सजाए मौत मिलती है। तुमने हमारे बादशाह की जगह लेने की कोशिश की, तू बचेगा नहीं। वजीर आला, इसे मार के कोई फायदा नहीं है। इस पर हमला हुआ है। इसमें से तो बहुत आवाज जहर की बू आ रही है। ये एक मर्तबा अगर इंसान के खून में मिल जाए तो इंसान हमेशा के लिए गूंगा हो जाता है। लेकिन इसका इलाज हमारे हकीम के पास जरूर होगा। हाँ, पिद्दी, तुम जाओ और हकीम साहब को अभी लेके आओ, जल्दी जाओ। रुको पिद्दी,
दीदी का इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर दुश्मन महल के अंदर मौजूद है तो पिद्दी का हकीम साहब तक पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। आपको उसके साथ जाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। चलो पिद्दी। पिद्दी, जाते वक्त दरवाजा बंद कर कर जाना। अम्मी के गले पे एक निशान गया था, वो जख्म है ना, तो वो चमक क्यों रहा है? अम्मी, 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 आप ठीक नहीं है अम्मी, आपको आराम की जरूरत है। आप आइए। तुम छोड़ो मुझे, क्यों परेशान कर रहे हो? अम्मी की गर्दन पे वो जो निशान है, वो कोई मामूली निशान नहीं, वो जादुई खतूबा के काटने का निशान है। जादुई खतूबा? क्या कह रहे हो चिनू तुम? खतूबा मतलब जादुई ताकत वाला बिच्छू। जो जादू से इंसान की शक्ल ले लेता है और बिच्छू बनके हवा में उड़ सकता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मलिका अपने खास दुश्मनों से बदला लेने के लिए इसी का इस्तेमाल करती थी। आका, खतूबा इंसान को काट के अपना सारा जहर उसमें भर देता है और 7 दिन में वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और उन्हीं 7 दिन में वो इंसान अपनी सारी याददाश्त खो बैठता है, अपने सारे रिश्ते नाते भूल जाता है, एक जिंदा लाश जैसा बन जाता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।